you're watching the News Hour Agenda. I'm Padmija Joshi. At a time when active attempts are being made to create and widen caste divisions in society, RSS Chief Mohan Bhagwat has stepped in to call the bluff of such people and such attempts. Speaking at an event on the occasion of the 647th birth anniversary of Sant Shiromani Rohidas, Bhagwat said that essentially all people in the Hindu faith are born equal, and those who are quoting scriptures to talk about caste superiority are wrong. Now remember, this comes at a time when there's a controversy raging about the burning of the Ramcharitmanas and some politicians calling the text anti-lower caste, anti-Dalit and anti-OBC. While this argument is given that the attack on the Ramcharitmanas is because of two lines there that speak of women and people from the lower caste in disparaging terms, the deeper agenda actually is very, very different. The agenda is to divide the Hindu vote along the lines of caste in order to ensure that the BJP doesn't romp home again in 2024. And it's this politics of division that Bhagwat called out yesterday. एकीकडे स्वजनांचा विरोध, दुसरीकडे परधर्मीयांचा जात, हे सगळं सहन करून समाजाकरता जगले, समाजाला सत्य सांगितलं, निर्भयपणाने समतेच्या बाजूला उभं राहिले. आपल्याला हे करावं लागेल. आपल्याला एकांतात आपल्या स्वतःच्या जीवनात प्रपंचातून आणि आपण स्वतः जे वागतो त्यातून तेही साधना करावी लागेल, प्रतीती घ्यावी लागेल. हे सगळं करतो म्हणून समाजात स्तुती होते काय त्या काळच्या परिस्थितीत? नाही, कारण हा धंदा वाईट. हे कुठून आलो? जर ही कामं सगळी समाजाची आवश्यक काम आहे तर हे काम हलकं, हे काम उंच, हे श्रेष्ठ, हे कनिष्ठ, हे कुठून आलं? हा विचारच चूक आहे. पण तशी स्थिती होती आणि त्याच्यामुळे समाजाकडून, आपल्या समाजाकडून हा जात सहन करत कल्याण बुद्धीनी पण व्यवहार शिकवणारे घरचे लोक सुद्धा विरोध करत असूनही त्यांनी आपला हा बाणा सोडला नाही. आणि जे सगळं येतं चांगलं किंवा वाईट आपण त्या पडद्यातून चाळून घेतो आणि तो अहंकार जास्त प्रभावी असला तर आपण आपल्याला सोयीचं ते घेतो आणि त्यावेळेला सोयीचं जे नसतं आपल्या स्वार्थाच्या ते टाकून देतो. त्याच्यामुळे संतांचे केलेले उपदेश समाजाच्या आचरणात आल्याशिवाय परिवर्तन येत नाही. हा सगळा आचरण करायचा उपदेश आहे. स्वधर्मावर पक्के राहणे, संपूर्ण समतेच्या दृष्टीने, समरसतेच्या दृष्टीने राहणे. But despite this, the attacks on Bhagwat continue, which is funny considering that he's actually asking that artificially created caste divisions should be done away with and everyone should be accorded the same dignity and respect. So is there now an active effort to try and ensure that with one move or another, the Hindu vote be kept fractured? Because that may be the only way to keep the BJP at bay. Sach sach hota hai. Is par gambhir vichar karna chahiye ki jab RSS pramukh, जो हिंदू धर्म के बहुत बड़े सुचिंतक हैं, सारी की सारी आरएसएस इसी धर्म की सशक्तिकरण के लिए लगी रहती है और उनके बयान आने के बाद कि जाति व्यवस्था भगवान ने नहीं पंडितों ने बनाई है, तो इस पर विचार करके जो हमने मांग की थी, इन आपत्तिजनक टिप्पणियों के हटाने की मांग मैंने 15 दिन पहले उठाई थी. आज 16वां दिन है इस विषय पर विचार विमर्श का. जाति पाति बिरादरी ये सब इस मृत्यु लोक में बनाई गई चीजें. भगवान ने तो एक मनुष्य जीव बनाया है और भगवान का अंश प्रत्येक मनुष्य के अंदर है. ये भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा है. हर व्यक्ति के अंदर, हर जीव के अंदर भगवान श्री वास करते हैं. और ये तो नीचे इस मृत्यु लोक पर अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी व्यवस्था के अनुसार कैसे कैसे इन चीज का निर्माण हुआ है, इसमें मैं ज्यादा जाना नहीं चाहता. लेकिन वास्तविक रूप से माननीय मोहन भागवत जी ने जो कहा है वो यथार्थ. कि मोहन भागवत जी ने कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी जिम्मेदारी किसी और के ऊपर उतारने का प्रयास किया? उन्होंने कहा कि भाई जो जाति व्यवस्था बनाई वो ब्राह्मणों ने बनाई, तो जाति का ऊंच नीच अगर वो ब्राह्मणों के ऊपर छोड़ रहे हैं तो अगर इतने इतने लंबे समय उनकी सरकार थी इसको बदलने के लिए उन्होंने क्या प्रयास किया? परम पूज्य सरसंघ चालक जी जब कोई बयान दिए हैं तो वह हर स्वयंसेवक के लिए मार्गदर्शन होता है
और जहां तक उस पर कोई टिप्पणी करने की बात है तो पूज्य सरसंघ चालक जी के किसी भी बयान पर कोई स्वयंसेवक टिप्पणी नहीं करता है, उनकी आज्ञा मान करके उसका पालन करता है। You're watching the News Hour at 10, debate number 1 on Times Now, Super Prime Time. Joining us on the debate, Tushar Gupta, senior retired Swaraj, Ratan Sharda, author, Naval Kishore, a national spokesperson of the RJD. And my first question is to Zeba Yasmeen, spokesperson of the Samajwadi Party. This should be welcomed, right? Zeba Yasmeen, if somebody is saying that there shouldn't be caste division in society, that everyone is equal in the eyes of God, then it's a welcome step, isn't it? I mean, there's nothing new which has been said. Everybody knows that there's one God, and when God has not discriminated the earth into subdivisions according to the caste system, then why should the human have the audacity to, you know, discriminate people? So it is very simple thing which has been said. But yes, what we are saying that the discrimination should be finished, and that is why, just to bring up equality, we were more focusing on Jatigat Janagarna and other things, so that people who are feeling that they are being suppressed should also come, you know, and participate shoulder to shoulder. So you agree, ma'am, that the RSS principally is anti-casteism, because for long they have been called casteist and Hindu supremacist. So you are saying that they are actually for equality. See, here I am not there to decide whether I agree with RSS or not. See, what I told, what Bhagwat ji told, that is the truth. That God is one, and when he has not discriminated, then we should also not talk about discrimination. All right, great. It's great to see people come on the same page. Naval Kishore ji and Satish Prakash ji. Now, is everyone on the same page? Are we all agreeing that yahan pe koi Hindu supremacist nahi hai, that and everyone believes that caste is outdated? Naval Kishore ji, okay, it is a false claim to consider that and propose that caste is an illusion. Caste is in fact reality in Hindu society, and for ages it has produced social inequality, and that is not unknown to even Mohan Bhagwat ji. Everyone, including BJP and RSS, know that this social division, which is created by Hindu religion, is a fact. And that has produced a social inequality. Even constitution has recognized. And that is why in fundamental rights itself, there it has been claimed that this inequality must be done away with. Correct. Some part, yes. Correct. But now, when people are saying that it is time to do away with it, it seems that those parties whose only existence hinges on caste and caste divisions and caste discrimination existing are desperate to ensure that this narrative continues. That in India, people are discriminated for caste, that there are massive caste divisions, where actively there is an effort to try and say, no, we don't believe in caste. See, Palmaja ji, this is again a misplaced understanding for two reasons. Number one, let me complete. Number one, to say that caste inequality by just making a claim by Mohan Bhagwat ji, whom everyone in this country knows that he is associated with a political party. RSS has a political outfit. And according to you, you are saying that their Hindu basis and support is being disintegrated by the original party, whom you claim that they are casteist party. That again, you are claiming that regional party are the creator of caste. So who is right and who is wrong? You must decide. I am not claiming, sir. I am not claiming. Yes. Agar you jo said so. Padmaja ji, aapne bataya hai. Aapne abhi bola hai. Jo log jatigat janagarna ki maang kar rahe hain, casteist move to wo hai na. आप कह रहे हैं कि भाई लोगों को अलग अलग जातियों के हिसाब से देखना चाहिए, अलग अलग जातियों की पॉलिटिक्स करनी चाहिए, जातिगत टाइप होता है, जातिगत टिकट वितरण होता है, कास्टिज्म तो वो है। पद्मजा जी, जातिगत जनगणना, ये जानना कि मैं किस जाति का हूँ और आप किस जाति का हूँ, क्या मारपीट हो जाएगा इसमें? क्या जरूरत है? नहीं जानता कैसे हो जाएगा, क्या जरूरत है?
अगर वहाँ देश में एक तरफ आप कह रहे हैं कि सेक्युलरिज्म होना चाहिए, लोगों को बीच में पक्षपात नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, ऑन द अदर यू आर सेइंग कि मेक देम अक्यूटली अवेयर नॉट ऑफ देयर रिलीजन बट इवन ऑफ देयर कास्ट. See, again you are wrong. Why should people this be divided on again, the basis of our caste? Padmaja ji, you are again wrong. Again wrong. And this is anti-modern. Please listen to me. You are again wrong. This caste census is for the government to act in accordance and do away with inequality. It is not for, we are not going to give this but agenda sir, to the government people. Should act despite caste. गवर्नमेंट शुड नॉट बी एक्टिंग अकॉर्डिंग टू कास्ट एंड सेइंग अरे हम कास्ट की वजह से वेलफेयर मेजर्स देंगे. गवर्नमेंट शुड ट्रीट एवरीवन एट पार. यू आर सेइंग दैट द गवर्नमेंट्स मूव्स शुड बी इन्फॉर्मड बाय द पीपल्स कास्ट. यस बिकॉज दैट इज द ऑपोजिट ऑफ गवर्नेंस. या नो दैट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर इनइक्वालिटी. यू नो B.R. अम्बेडकर हैज वंस सेड, आई डू नॉट नो वेदर यू नो और नॉट, that the religion which calls for unity is divided on the basis of caste. So call for unity just on the basis of religion is only attempt is to mobilize people on religion to vote for BJP, nothing else. Okay. If you want to create social justice, okay. Social justice, you must speak to Lohia, you must speak to Ambedkar, you must speak to Periyar, you must speak to Lalai Singh, you must speak to Mandal Ayog and know that what is the problem. The very important point and Mr. Naval Kishore, you have come to it right in the end where you are saying ki haan, jab aap unity ki baat karte hain aur anti-caste ki baat karte hain, to totally logo ko unite karke, they are trying to rally them behind the BJP and that's a fact. और अगर कोई यूनिटी के आधार पे ये कहेगी भाई आप जात पात की बात ना करें, आप यूनिफाइड रहें, आप एक सोसाइटी की तरह बात करें और वोट करें, उसमें क्या खराबी है? कैसे रहेंगे रतन शारदा, दिल को बहलाने के लिए रतन शारदा जी ये ख्याल अच्छा है. द रियलिटी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट मिस्टर भागवत इज सेइंग. सी द कास्टिस्ट पार्टीज आर वेरी अपसेट विद मिस्टर भागवत टुडे बिकॉज द पार्टीज विच वर्क ऑन मुस्लिम यादव कंबाइन Where Yadavs have been oppressing the lower caste. अरे अभी आप तो बहुत बोल लिए भाई साहब ना, जरा बोलने दीजिए. अरे मुझे बोलने दीजिए, मेरा भी हक बनता है ना बोलने का. सर मैं कहता हूँ मेरा भी हक बनता है बोलने का. मैंने कहा नवल किशोर जी उनको अपना ओपनिंग स्टेटमेंट दे दीजिए, फिर आपके पास वापस आऊंगी. यस गो ऑन. मुगल यादव मुस्लिम यादव के वोट बैंक बनाने वाले, यादव जो शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब को पीटने वाले, मारने वाले, अत्याचार करने वाले, जो जिनके जिन्होंने किसी दलित बेटी का अत्याचार होता का लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं, वहां हमें सिखाएंगे कास्टिज्म क्या है. एज फार एज RSS इज कंसर्न, राइट फ्रॉम 1925 RSS बीन ट्राइंग फॉर गेटिंग द हिंदू सोसाइटी रिड ऑफ कास्टिज्म बिकॉज अ डिवाइडेड सोसाइटी हैज बीन रूल्ड बाय इन्वेडर्स फॉर सेंचुरीज टुगेदर. सो अनलेस आवर सोसाइटी यूनाइट्स एंड कम्स आउट ऑफ इट्स पेटी इश्यूज, वी विल नॉट बी एबल टू बी अ स्ट्रॉन्ग सोसाइटी. दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ RSS फ्रॉम वन टू एंड. Mr. Balasaheb Devaras, he said clearly that untouchability is not bad, there is nothing bad in the society and it must be thrown out lock, stock and barrel. This statement was made somewhere in 1980s, remember? And everybody said the same thing. Mohanji, when he came to power, became Sarsang Chalak, he clearly said every village should strive for one well, one cremation ground, one temple. This is a huge statement. But for a Hindu society, Driven by this slavish mentality for 1,000 years, it is not easy to come out. Does it mean that we should fall for this casteist politics, casteism? Do these people have courage to say that those who have taken advantage of reservation, made good money, are earning well, should not take advantage of the reservation? They will not say it. Will they say that we will give position to SCST? They have not done it in their entire life cycle. Whether it's police bharti, whether it's government bharti, they are all Yadavs and they have given out. Okay, respond, Naval Kishore ji. And right from the first Sarsang Chalak to what Mohan Bhagwat has said, and this, by the way, is not the first time. SP Maurya, in 2022, he said, Varn aur Jati ko ab khatm karne ka waqt aa gaya hai because the caste system is totally irrelevant. For that to be continued and perpetuated is nothing more than the politics of divide and rule. Kya yahi karan hai? कि संघ के मुख जो है, प्रमुख जो है, आज तक एक को छोड़ के सब एक ही जाति के लोग हुआ करते हैं. यही 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 उनकी जात, यही उनकी जात जाति विधानता है. उसके बारे में टिप्पणी कर सके, नहीं करेंगे टिप्पणी, आप भी नहीं करेंगे. आप ट्रिपल तलाक को सपोर्ट करेंगे,
आप जो महिलाओं के अत्याचार है तो उसको सपोर्ट करेंगे, किसी के अंदर अन्य धार्मिक किताबों के अंदर महिलाओं पे अत्याचार है तो गलत, आप कोर्ट करिए ना, आप जलाइए मत। नवल किशोर जी, आप बार बार बोलते हैं जस्ट बाय द वे कि भाई कितने दलितों को आपने सरसंघचालक बना लिया, कितने ओबीसी को आपने सरसंघचालक बना लिया, पलट के कोई आपसे भी पूछ लेगा कि कितने नॉन यादव को आपने चीफ मिनिस्टर बना लिया। अरे किसने बिल्कुल पूछना चाहिए, लेकिन जो सवाल है सर 33% जो आपने टिकट बांटे थे यादवों को दिए थे, 33% दिया। देखिए अब आप भाजपा के आपकी पार्टी, अरे जब भी कोई आपसे सवाल पूछे आप भाजपा की बात कर रहे हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है भाजपा का? आप पूछ रहे हैं कि भाई सर संचालक दलित क्यों नहीं है, मैं आपसे पूछूं मुख्यमंत्री आप नॉन यादव को क्यों नहीं बना देते? देखिए दलित तो कभी वो बना ही नहीं सकते, मैं दलित की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जाति को छोड़ के सभी एक ही जाति के हैं, हम तो फिर भी सभी एक ही जाति के हैं। आप राष्ट्रीय आप सुनिए, अरे आप सुनिए तो पहले, राष्ट्रीय जनता दल बताइए मुझे, अरे सब देखिए आप बताइए, आपको झूठ बोलने में शर्म तो आती नहीं है। नवल किशोर जी, ओके लेट्स टॉक ऑन फैक्ट्स, लेट्स टॉक ऑन फैक्ट्स, लेट मी आस्क यू कि जब आरजेडी की सरकार थी आपने किस दलित को मुख्यमंत्री बनाया? नहीं आप उस सवाल को पूछते हैं जिस सवाल का कोई मतलब नहीं है। क्यों? अरे आपने पूछा सर संचालक दलित क्यों नहीं, मैं आपसे पूछूं दलित मुख्यमंत्री बनाइए? नहीं देखिए, यू आर अबाउट सोशल जस्टिस सर, दलित मुख्यमंत्री बनाइए आप, हमने यादव पार्टी में दलित मुख्यमंत्री बनना चाहिए, सोशल जस्टिस। मायावती के ऊपर हमला हुआ तो आरएसएस के लोगों ने बचाया, यही कारण है ना, बनाया। देखिए जब मुद्दे को आप भटकाना चाहेंगे यादवों ने, यही पे डाउट होता है, सुन लीजिए पहले के अंदर आप सुन लीजिए पहले, ओके ओके लेट 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 नवल किशोर जी आंसर देना, आई रियली वांट टू ओपन अप सतीश प्रकाश, मिस्टर सतीश प्रकाश एंड ज़ेबा यास्मीन वांट टू कम बैक इन एंड तुषार गुप्ता, इसका जवाब दीजिए कि दलित मुख्यमंत्री कब बन रहे हैं अगली बार? अरे आप सुन लीजिए, दलित मुख्यमंत्री बिहार में बने जीतनराम मांझी जी, उसका उसका राष्ट्रीय जनता दल ने सपोर्ट किया, और भाजपा के लोगों ने जो कि जातिवाद के पोषक हैं वो मंदिर में गए तो मंदिर को धुला रहे थे, आप पूछिए ना उनसे, कोई वो आज भी तो वो जिस जाति को खोज के थे वो सुनिए तो सब, नहीं आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए ना पहले सपोर्ट, अरे भाजपा ने बहुत बुरा किया, नहीं नहीं वो आप बना जीतन राम मांझी सीएम, अरे जीतन राम मांझी हमारे सीएम थे, उनको हमने सपोर्ट किया था, कहाँ है आप कुछ पढ़ा कीजिए पद्मजा जी, केवल नहीं पढ़ के आ रहे, अब जब आपके पास मौका है सरकार चलाने का, सपोर्ट करने का नहीं एक्टिवली बनाने का, आप जीतन राम मांझी को डिप्टी सीएम बनाइए। नहीं नहीं उनको नीतीश कुमार जी ने चीफ मिनिस्टर बना दिया, आपकी खुद की पार्टी में होंगे हजारों हजारों दलित होंगे, क्योंकि आप सोशल जस्टिस पे विश्वास रखते हैं, आप उनमें से किसी को बनाइए डिप्टी सीएम, आपको आपको पता नहीं है नीतीश कुमार जी ने डिप्टी सीएम उनको सीएम बना दिया था, डिप्टी सीएम की क्या बात है, जब जब आप मैं आपकी बात कर रही हूँ, अरे नीतीश कुमार जी हमारे साथ है, आप क्यों भूल जाती हैं, अभी वो भाजपा के साथ नहीं है, ठीक है, यू आर ऑल अबाउट सोशल जस्टिस, आपने फिर भी घुमा फिरा के ये जवाब नहीं दिया, नहीं नहीं आज के दिन 2022 में इफ यू रियली वांट टू वॉक द टॉक आर यू गोइंग टू मेक अ चीफ मिनिस्टर और अ डेप्यूटी सीएम अ दलित? ज़ेबा यास्मीन यू वांटेड टू ऑल्सो कम इन, देन आई ब्रिंग इन तुषार गुप्ता, ज़ेबा यास्मीन। पद्मजा जी सारे सवाल विपक्ष से होते हैं, मैं जानना चाहती हूँ 2017 में जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी जब हटे और योगी जी आए तो गंगा जल से क्यों धुलवाया गया मुख्यमंत्री आवास? अगर भेदभाव नहीं है, ऊंचा नीचा नहीं है, तो उनकी ये जो गंगा जल से कार्यालय धुलाया गया था इसका मुझे रीजन जानना है, बताइए क्या है? तुषार गुप्ता, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। No, but when it comes to action, I was listening to the debate patiently. Yeah, social justice bahut baat ho rahi hai, social justice ye, social justice wo. Padmaja, what is social justice? To support a Dalit chief minister from outside in a government, is that social justice? I disagree. What this government has done, while being labeled anti, you know, anti-backward caste, anti-minority and whatnot, this government has been the first to actually impart social justice in true terms. आपने बिहार में दलित चीफ मिनिस्टर बना दिया, उससे बिहार के दलितों का उद्धार तो नहीं हुआ। आपके यूपी में यादव मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर थे, मायावती जी चीफ मिनिस्टर थी, उससे यूपी के लोगों की तो समस्या नहीं सुलझी। आज ये गवर्नमेंट है, आपकी आवास योजना है, उसमें कास्ट की कोई बात नहीं करता। मुद्रा लोन है, लोग अपना बिजनेस शुरू करें, उसमें कोई कास्ट की बात नहीं करता। जनधन है, उसमें कोई कास्ट की बात नहीं करता। जल जीवन मिशन है, उसमें कोई कास्ट की बात नहीं है। पद्मजा, द क्रक्स ऑफ द मैटर इज वाई दीज रीजनल पार्टीज आर रैकल्ड बाय मोहन भागवत स्टेटमेंट इज
Because if caste becomes irrelevant in our socio-economic equations, the politics will become irrelevant. Mm-hmm. If the politics of the caste becomes irrelevant, these parties will become irrelevant. Because then the elections will be fought on policy and welfare. Mm-hmm. It will all be about kisne bank accounts khol ke diye, kisne ghar banaye, kisne bijli pahunchayi, kisne sadak banayi. Mm-hmm. Ab ye sab to karna isse zyada aasan hai, caste pe politics kar lo. Mm-hmm. Aray, aapne dalit sanchalak nahi banaya, aapne ye nahi banaya. Main kehta hu, aapne dalit chief minister bana diya Bihar mein, aapne usko support bhi kar diya. Logo ka kya fayda hua? Mm-hmm. Ek and neta ka kaam hai ki main logo ki electorate ki zindagi ka udhar kare. You spoke of this one episode which by the way was refuted of how the Mukhyamantri Awas was, you know, washed with Ganga Jal, something that wasn't refuted and can't be refuted because it's a police case, is what happened in the guest house in Lucknow. Aur jo bhi Dalit ke uthan aur Dalit ke representation ki baat karta hai, wo Ajay Bose ki ek kitab hai, kyunki Naval Kishore ji keh rahe hain ki kitabe padhni chahiye. Ajay Bose ki ek kitab hai, Behen Ji naam ki wo kitab hai, usme Mayawati ji ke saath guest house mein kya hua tha, jo ki us waqt Dalit Mukhyamantri thi, wo puri duniya janti hai, pura desh janta hai. Moving on now, I want to talk about the point that Tushar Gupta raised. And here is the thing, Satish Prakash ji, here is an experiment that was started by the BJP in 2014 and it has carried on over the years. And this is the reason why there is a desperation to try and create this constant casteism in India narrative. I want to show you a bar graph. What happened in 2019 is that actually the BJP managed to increase its support base across castes, and the highest support base was increased among poor people, among village dwellers, and also among Dalits. Upper caste OBCs, or rather upper OBCs, actually increased their support to the BJP. The scheduled castes and Dalits actually increased their support to the BJP in 2019 as opposed to 2014. And is that why now before 2024, they are trying to do a caste polarization? Satish Prakash. नहीं देखिए कहीं ना कहीं बीजेपी जो है ना एक सपना है एक 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 एक, एक रामराज का एक सपना है. रामराज में ऐसा नहीं था कि दलितों को खत्म कर दिया गया. रामराज में दलितों को बचा के रखा गया ताकि उनसे काम किया जा सके, उनको उतना खाना दो जितना वो सुबह उठ करके काम करे, है ना. एक दलित को जो है राजा बनने का सपना नहीं देख सकता. उसको उसको अनाज चाहिए, उसको जल चाहिए, उसको पानी चाहिए, उसको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की जरूरत है ही नहीं. यही सपना है. ये मोदी जी भी सपना पूरा कर रहे और बाकायदा मोहन भागवत जी भी सपना पूरा कर रहे. देखिए तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ सपने दिखाती है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं देती. सपने नहीं, सपने नहीं, सपने नहीं, सपने नहीं. देखिए आज किसी आदमी को उतना खाना दो ताकि वो जिंदा रह सके. अगर उसको ज्यादा खाना दोगे तो आपसे सवाल पूछेगा. उसका फेट हमेशा खाली रहना चाहिए और बीजेपी यही कर रही है और मोहन भागवत जी का यही सपना है. लेकिन आप घुमा घुमा के क्यों बोल रहे हैं? आप सीधा सीधा बोलिए. आप कह रहे हैं कि बीजेपी सच का रिप्रेजेंटेशन और पावर नहीं देती ना दलितों को, पिछड़ों को. नहीं नहीं, तो आरएसएस के तमाम लोग सड़कों के ऊपर आए. आज मोहन भागवत जी को 100 साल बाद ये बातें समझ में आ रही. तो आपने दो चीजें बोली है सतीश प्रकाश जी. 1927 नहीं, मैं आपको 2014 की बात बताती हूँ. एंड व्हेन यू आर सेइंग दैट इट इज इनफ्रक्चुअस टू इवन एक्सपेक्ट रिप्रेजेंटेशन एंड पावर फ्रॉम द बीजेपी फॉर द मोस्ट बैकवर्ड, लेट मी गिव यू नाउ सम इंटरेस्टिंग डेटा. दिस इज द टिकट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बीजेपी फॉर 2014 इन उत्तर प्रदेश, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से आते हैं. लेट्स एग्जामिन द टिकट्स दैट वर गिवन बाय द बीजेपी. 16 ब्राह्मण्स, 15 ठाकुर्स, 6 पासीज, 5 जाट्स, 5 लोड्स, 4 वैश्यास एंड 4 कुर्मीज. सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहां पर कुछ ऐसी जातियां थी, राजभर, कोरी, कठेरिया, खरवड़ और नट, जिनको सिर्फ बीजेपी ने टिकट दिया. बाकी पार्टियों ने, इंक्लूडिंग योर पार्टी जिसको आप सपोर्ट करते हैं, उन्होंने इन बैकवर्ड कास्ट को एक भी टिकट नहीं दिया. इन कास्ट को सिर्फ एक पार्टी ने टिकट दिया, एक एक कैंडिडेट को, और वो था भारतीय जनता पार्टी. और साथ ही उन्होंने खटिक कास्ट में, खटिक को किसी ने टिकट नहीं दिया, बीजेपी को दिया. कोरी, राजभर, कठेरिया, खारवाड़, नट, ये सब है. और जाटव्स, तीन जाटवों को, जबकि खुद मायावती जी की कास्ट के हैं वो, तीन जाटवों को भी बीजेपी से टिकट मिला था. तो ये तो रिप्रेजेंटेशन की बात है सतीश प्रकाश जी, एक्चुअल डेटा. नहीं नहीं, एक्चुअल डेटा एक बात बताइए. हम उत्तर प्रदेश में कोई भी ओबीसी लीडर, 99% जो ओबीसी लीडर है, ये साथ जिस छोटी छोटी जातियों की आप बात कर रहे हैं ना, ये माननीय काशीराम जी की पाठशाला से निकला हुआ सामाजिक मॉडल है.
ये तमाम जातियों ने सपने देखा। तो चलिए अच्छी बात है ना, कांशीराम का सपना अगर भाजपा पूरा कर रही है तो अच्छी बात है। अगले पार्क में उनकी भी एक वहां पे आप मूर्ति लगा दीजिएगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा है ना, वो ठीक है सपना, तो देखिए राजनीति में आपके आंकड़ेबाजी आप करते हैं, इसमें कहीं कोई दोहराई नहीं। और राजनीति में यही बीजेपी है ना, यही बीजेपी है 89 में, यही बीजेपी है ना। देखिए सामाजिक न्याय की लड़ाई ही भारत में धर्म की राजनीति को हरा सकती है। ये तमाम पर क्या है वो लड़ाई, हम सुनते रहते हैं सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय ये थोड़ी ना है कि आप मूर्तियां बना दीजिए, पार्क बना दीजिए, द्वार बना दीजिए। सामाजिक न्याय ये है कि आप उनको टिकट दीजिए, आप उनको अपलिफ्ट कीजिए, आप उनको जाके लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठाइए, आप उनको रिप्रेजेंटेशन दीजिए। मैं कहूंगा देखिए ये भी तो है, ये भी तो खेल है कि दलित का सपना नहीं हो सकता, दलितों के महापुरुषों के नाम पर पार्क नहीं बन सकते। आपको मालूम है बिहार में क्या हुआ? सोशल रिफॉर्म का सबसे मजबूत कारण जो है वो लालू प्रसाद यादव जी हैं। बीजेपी का भारत की राजनीति में अगर किसी व्यक्ति ने विरोध किया जीतेगी वही लालू प्रसाद यादव जी हैं। और एक बात मैं आपको बताऊं, देखिए ये वैसे नहीं कह रहा, आज मोहन भागवत जी ने क्या कहा कि जाति किसने बनाई है ना, इस देश में जाति बनाने वाले जिस व्यक्ति का उन्होंने नाम लिया कि व्यक्ति ने जाति बनाई। और भारत में हर भगवान एक जाति लेकर के पैदा होता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाव मोहन भागवत जी ये कह रहे हो कि सारे भगवान को पैदा करने वाला कोई मनुष्य है ना। आप मेरी बात को समझिए, कहीं ना कहीं कहीं ऐसा तो नहीं है कि धर्म जो है, क्योंकि धर्म एक भंगा है और वो डर के प्रोडक्ट में पैदा होता है। तब तक आप डर नहीं बैठाओगे ना। मेरा कहना ये है कि देखिए इस देश में सामाजिक क्रांति की आगाज है। सर सामाजिक क्रांति नाम की अगर हो तो वो किसी का उद्धार नहीं करती है। क्रांति कैन नॉट जस्ट बी इन द नेम ऑफ एन आंदोलन इन द नेम ऑफ कास्ट। रतन शारदा, यस रतन शारदा रिस्पॉन्ड। देखिए इन्होंने रामराज की बड़ी कल्पना बताई, रामराज की बात की, कृष्ण भगवान की बात की, निषाद राज को भी भगवान राम ने इज्जत दी, उन्होंने शबरी को भी इज्जत दी और सारे वनवासी और वन बंधुओं को हर जाति के लोगों को साथ लेके लंका में जाकर रावण को समाप्त किया। तो इस प्रकार से ये भाषा गुरुकुल के अंदर हर जाति पंथ के लोग जाते थे, आज जिसको हम जाति कहते हैं वो अलग अलग समाज के तबके थे, सभी जाते थे। इसे रामराज जी को बदनाम मत करिए। अभी आप काफी बोलिए, काफी बोलिए, रुकिए, अरे रुकिए, काफी बोलिए आप, प्लीज प्लीज काफी बोलिए। आपने कहा किसको भूखा रखा, 70 साल सेक्युलर पार्टियां, जातिवादी पार्टियां, इस सभी ने राज किया, किसने भूखा रखा गरीब को, किसने गरीब के घर में आखिर में राशन पहुंचाया, टॉयलेट पहुंचाया, घर पहुंचाया, किसने किया? और मायावती जी की बात करते हैं, मायावती जी की जब बेइज्जती हो रही थी बचाया किसने? भाजपा आरएसएस ने। पहली बार उसको किसने चीफ मिनिस्टर बनाया? भाजपा ने। तो ये आप याद रखिए कि सामाजिक न्याय देने में भाजपा से अधिक सही कोई पार्टी रही नहीं, इसलिए जिनका उपयोग किया आप पर चढ़ने के लिए उसको आप गालियां देते हैं, आप शोभा नहीं देते। ओके, आई एम गोइंग टू लीव इट एट दैट, बिकॉज व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सोशल जस्टिस, यू नो पॉलिटिक्स इन द नेम ऑफ सोशल जस्टिस एंड इट्स आउटकम समटाइम्स आर वेरी वेरी डिफरेंट। द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग। एंड टू दैट एंड आई वॉन्ट टू लीव यू विद दिस वन इमेज। When on Sant Ravidas Jayanti, you had MOS, Prahlad Patel, where he had a Samrasta Bhoj, and when everyone was done eating their food, he came and he picked up the plates of everyone who was seated there. These small gestures perhaps are more effective than the politics and the so-called andolans in the name of social justice. Thanks very much, all gentlemen. Devayasmin for joining me.